तो चलिए इस वीडियो में हम सेल्फ के बारे में थोड़ा सा और कुछ नया पता करते हैं कि आखिर ये सेल्फ की रिलेवेंस क्या है, इसका क्या वैल्यू है, क्या मतलब है ऑब्जेक्ट के सापेक्ष और जो मेथड है उसके सापेक्ष। तो सेल्फ क्या होता है? अब जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑब्जेक्ट ये बनाए और दूसरा ऑब्जेक्ट ये बनाए, तो दोनों से हमने इसे कॉल किया। कॉल करने के बाद जो हमारा आउटपुट है, यहाँ पे एरर है, तो एरर क्यों है? अच्छा ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए 30। ठीक, तो अब ये हमारा रन कर जाएगा और ये हमारा आउटपुट आ गया कि महेश नाम है और एज इतनी है। ये इससे पहले वाले से आया ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन है, और उसके बाद सेकेंड वाला ये जो मेथड कॉल किया गया था दूसरा ऑब्जेक्ट बना के, एन नाम का ऑब्जेक्ट बना के, उससे दूसरी वाली लाइन आई। ठीक, अब इसमें इसमें क्या चीज़ है, मतलब क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हो पा रहा है। मतलब ये तो एक जनरल हो गया, जैसे कि एक फंक्शन होता है, इससे एक फंक्शन से हम पर्टिकुलर काम कराते हैं और उससे ज़्यादा वो दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब तो एक ऐसी चीज़ होती है ना जिससे कि हम जो क्लास होता है उसकी चीज़ों को, यानी क्लास क्या एक ब्लू प्रिंट है, तो उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट जनरेट कर सकें। यानी कि ये जो एम ऑब्जेक्ट बना है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट अपने तरीके से आउटपुट चाहेगा इस ब्लू प्रिंट से, इस क्लास से। इसी तरीके से जो एन ऑब्जेक्ट है ये भी अपने तरीके से अपना अलग आउटपुट चाहेगा इससे, इस क्लास से, ठीक है, इस क्लास के अंदर के बोर्ड से। लेकिन यहाँ क्या है, आउटपुट तो दोनों का सेम ही है, दोनों में एक ही आउटपुट आ रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। ठीक, एट्रीब्यूट हम लेते हैं। एट्रीब्यूट से पहले हम आपको बताते हैं कि एक मतलब यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि मेथड के अंदर जैसे ये लाइन है, ठीक है, ये क्या काम कर रही है, प्रिंट करने का काम कर रही है। इसी तरीके से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, और वेरिएबल ले लेते हैं एज। एज इक्वल्स टू मान लीजिए हम रख देते हैं 30, मान लीजिए हम 25 रख। ठीक, और इसको हम यहाँ पे एज की जगह पे लिख देते हैं, इसके अंदर एज लिख देते हैं। ठीक, हो गया। अब आउटपुट हमारा क्या आएगा, दोनों जगह 25 आ गया। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाता है इसने इस मेथड को कॉल किया, ठीक, कॉल करने के बाद ये लाइन आ गई और इस हिसाब से यहाँ पर आउटपुट आ गया। और फिर उसके बाद दूसरा जो ये ऑब्जेक्ट बना, सॉरी ये ऑब्जेक्ट बना था, इस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने इस क्लास के मेथड को कॉल किया और ये हमारा ऊपर वाली लाइन आ गई। उसके बाद जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके जरिए भी इस मेथड को कॉल किया, ये वाला आउटपुट आ गया। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं, जैसे पहले था वो यहाँ पर मैंने लिखा था वैसे अभी भी है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो इसी चीज़ को हमें अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे आगे देखिए। यहाँ पर आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि ये जो अभी आपको वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल किसका है? ये वेरिएबल है इस मेथड का। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं है इसका, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट का वैल्यू इसे बनाना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट से इसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जब ये ऑब्जेक्ट से जुड़ेगा तभी हम इस वेरिएबल को, ठीक, ऑब्जेक्ट के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे और अपने तरीके से ऑब्जेक्ट से जब हम इनपुट सप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमारा जो ये फंक्शन है उसी डिजायर्ड इनपुट के हिसाब से आउटपुट देगा। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट आएगा और यहाँ पे डिफरेंट आएगा आउटपुट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको पहले ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट के रूप में, यानी कि ये जो एज है जो कि आपको सिंपली इस मेथड का अभी दिख रहा है, इस मेथड का क्या एक वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन ये हमें इसको ऑब्जेक्ट से जोड़ना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए हम सेल्फ इसके पहले लिखते हैं। जब भी हमें कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्ट से जोड़ना होता है, ठीक, ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करना होता है, तो उस जो वेरिएबल होता है उसको हमें ऑब्जेक्ट सेल्फ लिखना पड़ता है ताकि हम ऑब्जेक्ट से अटैच कर सकें। तो इसके पहले हम सेल्फ लिखते हैं और ये सेल्फ आ गया, फिर इसके बाद डॉट लगा दिया। अब ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि ऑब्जेक्ट का वैल्यू है। ठीक, मतलब इसको अब ऑब्जेक्ट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे सोचिए। तो इसलिए ये चीज़ जरूरी होती है। अब एक टेक्निकल भाषा में ये भी कहा जाता है कि इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जो मेथड होता है, ठीक, मेथड जब चलता है, चलने के बाद उसके अंदर की जो वैल्यू होती है वो टर्मिनेट हो जाती है।
जैसे कि अगर आप यहाँ पे लिखिए, ठीक, अगर आप यहाँ पे लिखिए ये एज है, ठीक है, ये तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर आउटपुट दिखेगा। लेकिन अगर आप इस मेथड के बाहर आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप प्रिंट ऑप्शन एक लगाते हैं, प्रिंट लगाते हैं मेथड और इसमें लिख देते हैं एज, तो क्या ये जो एज है ये यहाँ पे प्रिंट होगा? क्योंकि वो तो मेथड जब चला, ठीक, मेथड चलने के बाद जब तक मेथड चला तब तक ये जिंदा रहता, जिंदा रहा मतलब इसका यूज हो गया यहाँ पर, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मेथड टर्मिनेट हुआ, यानी कि ये मेथड जो है एक आउटपुट दे दिया है, यानी कंट्रोल इस मेथड के बाहर आ गया, इस मेथड के बाहर आ गया, उसके बाद तो इसकी वैल्यू बची नहीं, जब वैल्यू बची नहीं तो उसका तो कोई यूज होगा नहीं, इसलिए लिखा हुआ अनडिफाइंड नेम एज। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ये जो वेरिएबल होता है, ठीक, इसे हमें ऑब्जेक्ट से अटैच करना पड़ता है। अटैच करने के लिए हमें इसके पहले सेल्फ कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो सेल्फ कीवर्ड का मतलब है इस मेथड के बाद भी ये जो एज नाम का वेरिएबल है, जो कि अब एट्रीब्यूट बन चुका है, यानी ऑब्जेक्ट से अटैच हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का ये एट्रीब्यूट है, ऑब्जेक्ट की ये वैल्यू है एक हिसाब से, ठीक, ऑब्जेक्ट से संबंधित है। तो उसके बाद ये क्या होगा, हम यहाँ से इस मेथड के बाहर, क्या क्लास के भी बाहर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो है इसको हमेशा लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, एट्रीब्यूट्स को जिंदा रखने के लिए मेथड्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स जितने भी हम बनाते हैं उनको जिंदा रखने के लिए क्या होता है कि हमें इसे सेल्फ से अटैच करना पड़ता है। सेल्फ, आपको पता है सेल्फ क्या होता है, सेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर अगर सेल्फ लिखा है इसका मतलब हम जो है सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं, सेल्फ या ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है, ऐसे मान के चलिए। तो इसलिए हमें इसके पहले क्या लिखना होता है, सेल्फ लिखना होता है, और जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उन सब के पहले हमें सेल्फ लिखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, इसका तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेल्फ लिख देंगे, सेल्फ डॉट एज। यहाँ पर आपका ये आउटपुट आ जाएगा, और अब आउटपुट तो अभी आपका सेम ही आएगा कि जैसा आएगा, क्योंकि यहाँ से बदला नहीं, लेकिन अब हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो जंगल।